In today's class, we will learn about when is the communication of offer or acceptance is considered to be complete. कब ये माना जाएगा कि जो हम ऑफर किए हैं वो कंप्लीट है, या फिर मेरे आगे वाला पार्टी जो एक्सेप्ट किया है वो कंप्लीट है. चलो, ये है राजू, ये है राजू, इसने एक ऑफर निकाला, इसने एक ऑफर निकाला, ऑफर था 25 दिन में पैसे डबल. राजू ऑफर कर रहा है तो राजू कौन हुआ बताओ? लीगल टर्म में राजू को क्या नाम देंगे? द वन हु मेक्स द ऑफर, जो ऑफर करता है. वेरी गुड, वेरी गुड भैया, जो ऑफर करता है उसको बोलते हैं ऑफर. तो राजू कब चिंता फ्री होगा और बैठेगा कि मेरा ऑफर कंप्लीट है? जिसको ऑफर किए, यानी कि हमारे जो ऑफरीज होंगे, जैसे उनके नॉलेज में आए ऑफर के बारे में, जैसे उनको पता चले कि ऐसा कोई ऑफर है, राजू चिंता फ्री हो जाएगा. राजू बोलेगा कि मेरे ऑफरी को पता चल गया है कि मेरा ऐसा ऐसा ऑफर है, हम 25 दिन में पैसा डबल कर. वो एक्सेप्ट करें, वो एक्सेप्ट ना करें, उनकी मर्जी. वो एक्सेप्ट करें, वो एक्सेप्ट ना करें, उनकी मर्जी. मेरा तो ऑफर कंप्लीट है. देखो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट. ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है? When it comes to the knowledge of the person to whom it is made. जब हम जिन लोगों को ऑफर किए हैं उनको पता चले इस बारे में. यहाँ पे राजू ने, यानी कि ऑफरर ने, जब ऑफरी को ऑफर किया, जब लोगों को ऑफर किया, राजू चिंता फ्री होके कब बैठा? जैसे ही लोगों को पता चल गया, जैसे ही उनके नॉलेज में आया कि अरे राजू 25 दिन में पैसा डबल कर रहा. When is the communication of offer is complete? When it comes to the knowledge of the person to whom it is made. फटाफट चैट में यो करो, समझ आया कि नहीं ये बात? हम लोग ऑफर कंप्लीट तब मानेंगे जब जिस बंदे को हमने ऑफर किया है उसको ऑफर का जानकारी पड़ जाए. ठीक है भैया, ऑफर कब कंप्लीट होता है समझ में आ? ऑफर कब कंप्लीट होता है समझ में आ? मानो वी हैड अ बायर, वी हैड अ बायर हुज नेम वाज तोतला सेठ. तोतला सेठ जो उस मूवी में, ही हैड लॉट्स ऑफ मनी, बड़ा रईस आदमी. ये बोला हमको और रईस, हम 25 दिन में पैसा डबल करवाना चाहते हैं. ऑफरर ने ऑफर दिया, तोतला सेठ ने एक्सेप्ट किया. सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रहा है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रहा है? तो बात करें एक्सेप्टेंस के बारे में, यहां पर हमारे सामने दो पार्टी,
एक प्रपोजर या फिर ऑफरर जो ऑफर कर रहा है, एक जो एक्सेप्टर। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में राजू ने सिर्फ ऑफर किया था लोगों को, कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं। तो राजू ऑफर किया, जैसे ही लोगों को पता चला वो मस्त चद्दर टान के सो गया, बोला मेरा तो ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट है। बट अब जब एक्सेप्टेंस होगा तो दो पार्टी, एक तो जो ऑफर किया था और एक जो हमारे उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। हमारी नजर में ऑफरर कौन? राजू। तो सवाल उठता है कि राजू के नजरिए से देखें तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा? राजू के नजरिए से देखें तो एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मानो राजू ऑफर किया था 11 जून, 15 जून को तोतला सेठ उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन तोतला सेठ के पास फोन नहीं था, वो बिलीव करते थे फोन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। वो एक्सेप्ट करके बाई पोस्ट भेजे जवाब, 15 तारीख को एक्सेप्ट किए और खत के द्वारा राजू को बताएं, और वो खत राजू को मिला 20 तारीख, वो खत राजू को मिला 20 तारीख को। सबसे पहला सवाल, भैया अगर हम राजू हैं, हम ऑफरर हैं, हम ने ऑफर किया है तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, किस डेट पे कंप्लीट होगा, बताओ। देखिए कौन बता सकता, 11 तारीख यानी कि जिस दिन ऑफर हुआ था, 15 तारीख जिस दिन पोस्ट हुआ, या फिर 20 तारीख जिस दिन राजू को पता चला राजू के नजरिए में एक्सेप्टेंस कब हो रहा है। ओके, प्रीत का जवाब आया। वेरी गुड। ओके, करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम आंसर्स आए भैया 20 तारीख को। क्यों? क्योंकि इस दिन राजू को पता चलेगा कि उसने हाँ कहा है। इससे पहले राजू को एक्सेप्टेंस का कोई आइडिया ही नहीं, राजू को एक्सेप्टेंस का कोई आइडिया ही नहीं है। ओके, अच्छा एक्सेप्टर के नजर से सोचो, अब सोचो तुम लोग तोतला सेठ, उसके नजरिए से देखे तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? तोतला सेठ कब चिंता फ्री होके बैठेगा कि चलो एक्सेप्टेंस हो गया? ओके, सबका जवाब आ रहा है 15 तारीख। तुम लोगों को एक चीज दिखाएं, अब ये टॉपिक को अक्सर ना टफ माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का कॉमन सेंस से थोड़ा अलग बात हो रहा है यहाँ। व्हेन द प्रपोजर, देखो व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, अगर हम लोग प्रपोजर की नजरिए से देखें तो प्रपोजर के नजरिए से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, लॉ क्या बोल रहा है कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, ठीक है? ये बात बताया गया है सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 में,
कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विथड्रॉ द सेल। जब जैसे ही एक्सेप्टर ने लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाला, अब वो निकाल नहीं सकता हाथ अंदर डाल के, अब प्रपोजर के नजरिए से एक्सेप्टेंस कंप्लीट। ठीक है, मेरा बात को समझो, तुम लोग सबका जवाब आया था 20 तक। राजू के नजरिए से एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने का मतलब, मानो राजू सोचा यार 25 दिन में पैसा डबल नहीं होगा, क्यों, अनुराधा धोखेबाज, अनुराधा बेवकूफ बना रही। तो वो मानो 16 तारीख को फोन किया तोतला सेठ को फोन करके बोला कि हम अपना ऑफर तोड़ना चाहते हैं, हम अपना ऑफर तोड़ना चाहते हैं। तोतला सेठ क्या बोले, हम ऑलरेडी एक्सेप्टेंस भेज चुके हैं, है कि नहीं? Yes or no? राजू के नजरिए से देखें तो एक्सेप्टेंस 15 तारीख को ही कंप्लीट हो जाए, जिस दिन वो पोस्ट भेज दिया है। This is the trick. और एक्सेप्टर के नजरिए से जब प्रपोजर को पता चले, तुम लोग का आंसर उल्टा था। बात करें राजू के नजरिए से तो जिस दिन पोस्ट भेजा गया है, बात करें तोतला सेठ के नजरिए से तो जिस दिन राजू को पता चले। जैसे ही तोतला सेठ पोस्ट भेजे, उसके हाथ में तो नहीं है पोस्ट को कैंसिल करना, इट इज नॉट इन हिज पावर। ठीक है, अब राजू अपना ऑफर को तोड़ नहीं सकता है, ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता। और जैसे ही राजू को पता चला, मानो तोतला सेठ 15 तारीख को पोस्ट भेजा, इस दौरान 15 से 20 के बीच में तोतला सेठ बोला नहीं यार, हमको पैसा डबल नहीं करवाना, हम राजू को ना बोलना चाहते। तो 15 से 20 के बीच में कभी भी तोतला सेठ क्या करेगा, फोन उठाएगा और बोलेगा राजू हमको तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। जैसे ही राजू को पता चलेगा, क्या तोतला सेठ उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है? नहीं। जब तक राजू को नहीं पता चलता है कि तोतला सेठ ने हाँ कहा है, तब तक तोतला सेठ यानी कि टीएस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकता है। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल देखते, एग्जाम्पल टू देखते। चलो हम लोग ऑप्शन का एक छोटा सा झलक लिए थे, तुम लोगों को बताया था ऑप्शन कैसे होता है, बोली लगता है वगैरह वगैरह। ओके, मानो यहां पे बैठा हुआ है ऑप्शन जो बोली लगाता है, जिसके हाथ में थॉर वाला हथौड़ा होता है, जो टेबल पे वो पटक के टेबल तोड़े। यहां है बिडर्स, उसमें से एक बंदे ने बिड लगाया। बताओ ये बिड क्या है, ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर? वेरी गुड बिड आयुष भैया, ये बिड, ये जो बोली है, यही तो ऑफर है। कॉमन सेंस लगाओ, ये बिड में बोला हम कोई सामान 5000 में लेना चाहते हैं। ऑक्शनर हैमर कब पटकता है, बोलता है 5001, 5002, 5003, उसके बाद होता है बैम, उसके बाद वो हैमर पटकता है, टाइम देता है। ये टाइम क्यों देता है पता है, ताकि और कोई अगर बोली लगाना चाहता है तो लगाए, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, इसका अगर माथा फिरे इस तीन बोली तक तो ये विथड्रॉ करे। हमारा ऑफरर, मानो ये हम लोग बात कर रहे हैं मिस्टर ए, हमारा ऑफरर है मिस्टर ए के लिए
एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा भैया? जैसे ही आगे वाला वो हैमर मार देगा ना, उसके बाद मिस्टर ए कुछ नहीं कर सकता। अगर मिस्टर ए को कॉन्ट्रैक्ट रिवोक करना है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, तो कब तक कर सकता है? हैमर के फॉल होने से पहले तक, बिफोर फॉल ऑफ हैमर। ठीक है, हमारा ऑफरर यानी कि मिस्टर ए कब तक कर सकता है? बिफोर द फॉल ऑफ हैमर। एक बार हैमर फॉल हो गया, उसके बाद नो चांस। चलो एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, तो इसका हम लोग एग्जांपल भर भर के कर लेते हैं। मानो एक्स ऑफर करता है कि वो 50 बेल्स ऑफ कॉटन बेचेगा। कॉटन को नापने का जैसे केजी वगैरह होता है, वैसे बेल्स होता है। 50 बेल्स ऑफ कॉटन बेचेगा कौन? एक्स। एक्स ऑफर कर रहा है, ठीक। और बोला जिसको भी 50 बेल्स ऑफ कॉटन खरीदना है, जिसको भी 50 बेल्स ऑफ कॉटन खरीदना है, आज शाम 6 बजे तक बता, आज शाम 6 बजे तक बता दो, जिसको भी 50 बेल्स ऑफ कॉटन खरीदना है। एक्स ये ऑफर किया, ठीक है। लेकिन लो, तुम लोग का सवाल आता था ऐसा, बड़ा इंटरेस्टिंग था भैया। ऑफर खुला था 6 बजे, ऑफर वॉज ओपन फॉर 6 PM इन द इवनिंग, लेकिन 6 बजे से पहले ही, लेकिन बिफोर टाइम एक्स क्या किया, एक्स क्या किया, जेड को वो कॉटन बेच दिया। 6 बजे से पहले ही एक्स जेड को वो कॉटन बेच दिया। इन द मीन टाइम ये जो वाई है वो एक्सेप्ट करता है, वो एक्सेप्ट करता है कि हम 50 बेल्स ऑफ कॉटन खरीदेंगे। 6 बजे से पहले एक्सेप्ट कर रहा है, ऑफर का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले वाई बेचारा मासूम, वाई कौन था? मासूम। उसको नहीं पता था कि जेड ऑलरेडी खरीद चुका है, उसको नहीं आइडिया था, जेड पहले ही खरीद चुका था। एक्स किसी को बताना जरूरी भी नहीं समझा, और वाई खुश होकर बैठा कि हम 50 बेल्स ऑफ कॉटन खरीद। बताओ उनको यहां पे क्या वाई का कंटेंशन वैलिड है, सोच के बताओ क्या वाई का कंटेंशन वैलिड है? क्या वाई को फिर एक्स बेचेगा? ओके, दो आंसर आए मेरे पास सिर्फ। जसमीत, प्रीत, अंशु, आयुष, प्रीत अनम्यूट करके बता तेरे को ऐसा क्यों लगता है कि एक्स को बेचना ही पड़ेगा? भैया वाई को उस समय पता नहीं था कि ऑफर खत्म हो चुका है, तो अब एक्स अगर वो कॉटन वाई को दे देगा तो फिर जेड को क्या देगा, ये बता। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या वाई जो मासूम इंसान है उसका बात वैलिड है? यस या नो? उसका कहना है कि हमको एक्स वो 50 बिट्स ऑफ कॉटन देगा, हमको नहीं पता कैसे, क्या वाई का कहना सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है भैया। देखिए 6 बजे से पहले जो एक्सेप्ट करता उसको मिलता, फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व बेसिस। जेड किया उसको मिल गया, खत्म कहानी, ठीक है। जेड किया उसको मिल गया, ओ चलो एक लास्ट एग्जांपल इसके ऊपर हम लोग बनाते हैं। 3 एग्जांपल डिस्कस किए, एग्जांपल 4 डिस्कस किया। एग्जाम्पल 4, ये देखो यहाँ पे टॉपिक हम लोग भले पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, लेकिन साथ में हम एक और टॉपिक कवर कर रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। अरे मानो हम अब जो ऑफर किए उसको रिवोक करना चाहते, उसको कैंसिल करना चाहते,
तो कब तक कर सकते हैं, ये टॉपिक भी हम यहीं पे कवर करेंगे। ठीक है, देखो ये एग्जांपल यहीं पे, चलो यहां से मिस्टर ए प्रपोजेस बाय अ लेटर सेंड बाय द पोस्ट, पोस्ट के द्वारा एक लेटर भेजा, बोला बी को, बी बी क्या तुम मेरा घर खरीदो, कैसे बोला, पोस्ट के द्वारा। बी भी अपने आंसर को पोस्ट के द्वारा भेज रहा है, बी भी अपने एक्सेप्टेंस को पोस्ट के द्वारा भेजा। सवाल उठता है, मानो बी 15 तारीख को भेजा, ए को मिला 20 तारीख, ए कौन है भैया जिसने ऑफर किया, बी कौन है जिसको ऑफर किया, जो ऑफर को एक्सेप्ट कर, ए अपने ऑफर को कब तक कैंसिल कर सकता है बताओ, ए अपने ऑफर को कब तक कैंसिल कर सकता है, आयुष नहीं अंशु अपीट का आंसर सही, तुम लोग खुद बताओ फिर से मेरा क्वेश्चन बड़ा ध्यान से सुनो। ए बी को बोला लेटर के द्वारा, भाई मेरा घर, यहाँ कोई ट्रिक नहीं, ट्रिक है बी 15 तारीख को डिसाइड किया कि हम घर खरीदेंगे और लेटर पोस्ट कर दिया, वो लेटर ए को मिला है 20 तारीख तक, ए चाहता था कि हम लेटर को रिवोक, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको रिवोक करें, हम नहीं चाहते कि हम बी को अपना घर भेजें, तो ए कब तक अपना ऑफर को कैंसिल कर सकता है बी के एक्सेप्ट करने से पहले, बी एक्सेप्टेंस कैसे किया, पोस्ट में भेजा 15 तारीख, तो 15 तारीख से पहले, इससे पहले कि बी उसको पोस्ट ऑफिस का डब्बा में डाले, ए फोन करके बोल देगा भाई मत करना हमारा ऑफर रिवोक, एक बार बी उस लेटर को डाल दिया, अब ए के पास कोई ताकत नहीं है, ए बोलेगा हम अपना ऑफर कैंसिल करना चाहते हैं, बी क्या बोलेगा जा एक्सेप्ट हो गया। विनय भैया बताए थे याद है कैसे, बारूद का जो लड़ी है वो ऑफर है, माचिस है जो एक्सेप्टेंस है, एक बार एक्सेप्ट हो गया तो फिर रिवोक नहीं हो सकता, तो एक बार बी 15 तारीख को एक्सेप्ट कर लिया, अब ए फोन करके नहीं बोल सकता कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते, ए को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, ऑफर को रिवोक करना है, ऑफर को कैंसिल करना है 15 तारीख से पहले, उसके बाद कोई बातचीत ही नहीं सुना। मानो बी जो एक्सेप्टेंस दिया, बी जो बोला कि हाँ ए हम तेरा घर खरीदेंगे, वो चाहता है कि नहीं यार हम लेटर तो भेज दिए 15 तारीख, वो लेटर पहुंचेगा 20 तारीख तक, हम चाहते हैं कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें, ए ये जो बी है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, क्या करेगा वो, या तो फोन करके बोल देगा लेटर पहुंचने से पहले, एक बार ए लेटर खोल के देख लिया कि बी एक्सेप्ट कर चुका है, बी इसको रिवोक नहीं कर सकता, एक बार ए लेटर खोल के देख लिया कि वो एक्सेप्ट कर लिया बी, एक बार ए को पता चल गया कि अरे बी को तो मेरा घर चाहिए, उसके बाद भी नहीं बोल सकता कि भाई सॉरी गलती से तेरे को लेटर भेज दिया, नहीं, हाँ 15 तारीख को भी लेटर भेजा है, 20 तक पहुंचेगा, जब तक नहीं पहुंचा है बोल दो फोन करके या फिर कोई व्हाट्सएप कर दो, कुछ भी कर दो जिससे एक को पता चल जाए कि तुमको घर नहीं खरीदना, लिख दो बता दो कि भाई जो लेटर भेजा उसको इग्नोर करना, तेरा घर को नहीं चाहिए, एक बार लेटर ए खोल के पढ़ लिया उसके बाद तो बी ब्रो तुम्हारा रिवोकेशन अलाउड नहीं है। Let us see this thing which is written in the book, plain language. As against the person who makes revocation, कौन कर रहा है? Revocation कौन कर रहा है? A या फिर B? पहला सवाल ये होता है। कब communication of revocation complete होगा? मतलब कि हम मानो contract cancel करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। Offer कब तक revoke हो सकता है? Offer कब तक revoke हो सकता है? भैया जब तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ना कर दिया जाए, जब तक कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल, देखो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल, यही चीज तो हम लोग ऊपर पढ़े हैं,
यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रमोटर, सेम बात है ना, एकदम सेम लाइन है ना, कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रमोटर कब होता है, कब होता है भैया, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि पोस्ट ऑफिस में पोस्ट का डब्बा में डाल दिया है एंड आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विदड्रॉ द सेम। अब पोस्ट का डब्बा में हाथ डाल के तो हम निकाल नहीं सकते, एक बार पोस्ट का डब्बा में डल गया उसके बाद प्रपोजर के नजरिए से एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है, ठीक है। तो प्रपोजर यानी कि ऑफरर यानी कि ए कब तक अपने एक्सेप्टेंस को, कब तक अपने ऑफर को टाल सकता है, काट सकता है भैया, जब तक आगे वाला पार्टी पोस्ट बॉक्स में नहीं डालता, पोस्ट बॉक्स में नहीं डाल रहा मतलब एक्सेप्ट नहीं करता, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं करता, एक बार वो दे लिया सॉरी अब तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। बात करते हैं एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है भैया, एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन, सेम लाइन सेम लाइन, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के नजरिए से कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है भैया, जैसे प्रपोजर को पता चलेगा कि हाँ वो खरीदना चाहता है, उसके बाद जो एक्सेप्टर है वो आराम से बैठेगा कि भाई इसको चाहिए, ये जो ऑफरर है वो मेरा लेटर पढ़ लिया, हमको टेंशन, ठीक है, हम ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बार धीरे धीरे करके रीड कर रहे हैं, तुम लोग ध्यान से सुनना, कहीं भी दिक्कत होगा तो बता भैया। ऑफर कंप्लीट कब होता है, ऑफर खाली एक पार्टी करता है, ऑफर जैसे ही वो ऑफर किया और ऑफरी के नॉलेज में आया, जिनको हम ऑफर किए थे उनको पता चल गया ऑफर के बारे में, वो मस्त ऐसे हाथ पीछे करके बैठ जाता है संवाद के लिए कि मेरा ऑफर तो कंप्लीट है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, जो मैसेज करो, ऑफर कंप्लीट कब होता है, जैसे ही कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं योग, ओके जसमीत को क्लियर है, खाली बाकी बच्चा लोगों को क्लियर नहीं है, ऋतिक को क्लियर है, गच्छन है, आयुष, अनु, अन्य तरुण को भी क्लियर है, अंशु क्लियर नहीं है, अंशु ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। सेकंड कॉन्सेप्ट, ऑफर एक्सेप्ट हो गया है भैया, अब क्या, तो दो जन का नजरिया होता है, एक तो जो बंदा ऑफर किया है पहले उसका बात, जो बंदा ऑफर किया, फॉर एग्जाम्पल हम ऑफर किए कि हम तुमको अपना मोबाइल फोन बेचें, मेरे नजरिए में एक्सेप्टेंस कब हो गया, कब मेरे हाथ से पावर चल गया, सिंपल वर्ड में, सिंपल लैंग्वेज में, मेरा पावर कब खत्म हो रहा है ऑफर कैंसिल भैया, जैसे ही एक्सेप्टर कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दे अपने एक्सेप्टेंस, जैसे ही एक्सेप्टर मानिए व्हाट्सएप कर रहा, तो जैसे ही वो टाइप मैसेज टाइप करके उनको भेज दिया, अब हम अपना ऑफर मोबाइल बेचने वालों को कैंसिल नहीं कर सकते, अब हम बाद में अपना मन नहीं बदल सकते, ठीक। और एक्सेप्टर के नजरिए से देखें तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, यानी कि आगे वाला पार्टी, मानो तुम लोग जिसको मोबाइल खरीदना था मैसेज करके भेजा भैया हमको चाहिए, तुम्हारे नजरिए में एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, जब हम उस मैसेज को देख ले, उस मैसेज में ब्लू टिक आ जाए। एक्सेप्टेंस में दो पार्टी होता है, एक्सेप्टर प्रपोजर, एक्सेप्टर प्रपोजर जो ऑफर करता है उसके नजरिए में एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, जैसे ही वो जो आगे वाला पार्टी है ऑफर ही है अपने एक्सेप्टेंस को कोर्स इन ट्रांसमिशन में डाल दे, यानी कि मैसेज टाइप करके सेंड कर, और एक्सेप्टर के नजरिए से यानी कि तुम लोग के नजरिए से देखें तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा भैया, जैसे ही आप उसको पढ़ लें, ब्लू टिक आ जाए, आप मानिए थम्स अप भेज दिए, कंफर्मेशन भेज दिए ऑर्डर का, यहाँ ऑर्डर कंफर्म, हम लोग खुश हो जाएंगे कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गया है,
ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, यो करो, किसी को भी डाउट है पूछ लो अपना डाउट। बहुत धीरे धीरे चल रहे इस चीज को लेकर, ताकि तुम लोग का दिमाग में एकदम टैटू बन जाए इस चीज का। अब हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट विल बी कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। ऑफर के नजरिए से कब कंप्लीट होगा? जब लेटर पोस्ट कर दिए हैं तब। और एक्सेप्टर के नजरिए से कब कंप्लीट होगा? जब लेटर ऑफरर को मिल गया। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ए है बी है, ए ऑफर किया था, ए ऑफरर, बी है ऑफर, बी है एक्सेप्टर, बी अपने एक्सेप्टेंस को 13 जून को लेटर बॉक्स में डाला, वो 17 जून को ए को मिला। एज अगेंस्ट द प्रपोजर कब कंप्लीट होगा बताओ? ए के नजरिए से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? 13 तारीख या 17 तारीख? देखें तुम लोग का यो का असर। ओके गुड अंशु, बस अंशु का जवाब है, सही गलत कुछ भी नहीं। तीन बच्चों का जवाब आया, अंशु जसमीत एंड आलोक, व्हाट अबाउट द रेस्ट? आई वांट फुल पार्टिसिपेशन, सब पार्टिसिपेट करो प्लीज। सही भेजो गलत भेजो डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज कि तुम आंसर भेज रहे हो। ए यानी कि ऑफरर के नजरिए से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रहा है ये बताओ, 13 तारीख को या फिर 17 तारीख को? 13 तारीख को भी लेटर पोस्ट किया, 17 को एक खोल के पढ़ा। वेरी गुड नाइस ट्राई ऋतिक, आयुष, अच्छा ऋतिक अनम्यूट कर। यस सर। ये बता बाबू देखो ऐसा क्यों लगा कि 17 था? क्योंकि वो उस दिन मतलब ऑफर किया थी, उस दिन वो उसको पता चले। हम लोग क्या पढ़े हैं लाइन पढ़ अगेंस्ट द प्रपोजल में, एक बार लाइन पढ़। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट, कौन सा चाहिए वाला? व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विथड्रॉ द सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही बी का पावर से, बी का हाथ में पावर नहीं है, बी जब उसको पोस्ट का बॉक्स में डाल देगा, पोस्ट ऑफिस का डब्बा में डाल देगा, वापस हाथ डाल के निकाल सकता है क्या? नहीं नो सर। तो जैसे ही बी का पावर से गायब हो गया, बी उस अपना एक्सेप्टेंस डाल रहा है, ए के नजरिए में एक्सेप्टेंस पूरा। अभी तुम सोचो, तुम खुद अपने आप को उस जगह पे रखो, तुम बोला भैया हम आपको अपना कार बेचना चाहते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑफर तुम हमको किया, तुम ये ऑफर कब तक कैंसिल कर सकता है ये बताओ? जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करे उससे पहले। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे अगर लेटर डाल के, लेटर से, तो तुम कब तक कर सकते हैं? हम मानो 13 तारीख को लेटर डाल रहे हैं, 17 को तुमको पता चल रहा है, तो तुम कब तक अपने ऑफर को कैंसिल कर सकते? 13 से पहले। वेरी गुड, यही हम समझाना चाहते हैं भैया, हम लोग पोस्ट का आप एक्सेप्ट नहीं करते तब तक ऑफर को कैंसिल कर सकते, ठीक है? जैसे ही मेरा पोस्ट ऑफिस का डब्बा में जाएगा, तुम्हारे नजरिए से भैया एक्सेप्ट कर चुके, अब कुछ नहीं कर सकते। चलो अभी अभी अब तो पोस्ट वाला हिसाब किताब होता नहीं है, अब तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी हम लोग को सिखाया जाता है, हम लोग को इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, ठीक है चलो आगे बताएंगे, आगे ये वाला चीज आगे बताएंगे। यहाँ पे फोर, एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स, ठीक है ये हो गया फोन वगैरह से या फिर फैक्स वगैरह से। व्हेन एन ऑफर इज मेड बाय इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, माने फोन पे या फिर फैक्स के द्वारा ऑफर और एक्सेप्टेंस का काम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट
इज ओनली कंप्लीट, तभी कंप्लीट माना जाएगा अगर एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरी एंड कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। कब माना जाएगा? जब ऑफरी खुद से हाँ बोल रहा है, पॉइंट नंबर वन ऑफरी खुद से हाँ बोल रहा है, प्लस दो बात को देख, कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे हो जाएगा जहां पे उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फैक्स मशीन के बारे में तुम लोग जानता है क्या होता है? कुछ तुम लोग देखा हो फैक्स मशीन को, देखा आज तक? कुछ नहीं होता है। मानो हम धनबाद सानिया में और कोई और मानो दिल्ली में, आई मीन धनबाद, मेरे पास एक मशीन है जिसमें मैं कागज डालू, जो बंदा दिल्ली में उसकी मशीन से एक कागज निकलना शुरू हो गया, बाहर आने लगेगा, ये होता है फैक्स करना। हम मानो 12:59 पे फैक्स किए हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट लगता है, एक मानो 1 बजे या फिर 1:02 पर उसको वहां पे मिल जाएगा, उसको पेपर मिल जाएगा, ठीक है। ये काम है फैक्स का। तो माना जाता है भैया आपने ऑफर किया, मानिए आपने ऑफर किया दिल्ली के किसी बंदे ने एक्सेप्ट, हम क्या माने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर? द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज रिसीव, जहां पे एक्सेप्टेंस हुआ है हम मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे हुआ, दिल्ली में एक्सेप्टेंस हुआ हम मान लेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली में कंप्लीट हुआ है, सिंपल। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वहां कंप्लीट होता है जहां पे एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है। अब आते हैं कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स। जस्ट गिव मी 1 मिनट, हम पानी का बॉटल आ रहा है। ओके, सबसे पहले हमको ये बताओ, तुम लोग सब ट्रेन में ट्रेवल किया होगा, एक चीज तुम लोग का मन में हमेशा आता होगा ट्रेन में ट्रेवल करते टाइम, जब हम लोग वो चेन को लटकता हुआ देखते हैं, मन में नहीं आता एक बार वो चेन को टाने? किसका इसका मन में आया? यो करो तो क्या ये सिर्फ हम हैं जो ये सब फैंटेसी वाला दुनिया में रहते हैं? तुम लोग भी मेरे जैसे, चलो सब का सब, यस। मैं वो चेन लटकते रहता, मन करता है टांग दे, लेकिन मजबूर है भैया। क्यों नहीं टांगते हैं वो चेन हम लोग, बताओ कौन बताना चाहेगा? वो चेन तुम लोग क्यों नहीं टांगता, या फिर हम क्यों नहीं टांगते? ट्रेन रुक जाएगा और यही तो चाहते हैं जसमीत, की ट्रेन रुके, बवाल खड़ा हो, मजा आए सीन देखने में, तमाशा देखने में। भैया सबसे बड़ा इशू है वहां पे लिखा रहता बगल में उस चेन का लाल रंग से, हिंदी में भी लिख देता है वो लोग, इंग्लिश में भी लिख देता है कि अगर आप ये चेन टानेंगे तो आपके ऊपर फाइन होगा, हो सकता है कानूनी कार्रवाई। दो चीज होते हैं, या तो फाइन होगा या फिर कानूनी कार्रवाई या फिर बोथ, ठीक है। तो वो जो वहां पे लिखा हुआ है ना उसके बगल, उस चीज को बोलते हैं स्पेशल टर्म, स्पेशल टर्म, ठीक है। उस चीज को क्या बोलते हैं? स्पेशल टर्म। स्पेशल टर्म को कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। जनरल ऑफर में
जैसे कि मानो ट्रेन टिकट, बस टिकट, या फिर रेलवे स्टेशन पे मानो हम सामान रखे हैं। रेलवे स्टेशन में क्या होता है, ट्रेन होता है, ठीक है, एक ट्रेन होता है जिसको मालगाड़ी बोलते हैं, जिसमें खाली लगेज जाता है, तो उसका रिसीट होता है, या फिर ड्राई क्लीनिंग वगैरह के लिए जो कपड़ा देते हैं उसका रिसीट, और बहुत सारा ऐसा है जहां पे कुछ स्पेशल टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग कभी ऑटो में बैठा हो तो देखा होगा ऑटो में लिखा रहता है, पॉकेट मारो से सावधान, अपनी सामान की रक्षा स्वयं। ये एक स्पेशल टर्म, बाद में क्या होता है, तेरा कोई सामान चोरी होगा ना, पहले क्या होता था, पहले ना धनबाद में झरिया और ट्रेकर चलता था, बड़ा बड़ा मस्त वैन टाइप, तो वहां पे गजब खुश खुश के लोग बैठते थे, गजब पॉकेट पार होके निकल जाते, तो फिर ड्राइवर को पकड़ता था लोग, तो ड्राइवर लोग स्पेशल टर्म डाल दिया कि अगर आप मेरे ऑटो में बैठ रहे हैं भैया, इस चीज को पढ़ लो, पॉकेट मार से सावधान रहो, आपका सामान चोरी होगा, आप जिम्मेदार, ठीक है। और ये चीज लिखना क्यों जरूरी है भैया, ये लॉ नहीं बन सकता है, नहीं, कोई भी स्पेशल टर्म होता है ना तो उसको प्रिंट करके प्रॉपरली मेरे एक्सेप्टर को कम्युनिकेट करना जरूरी है। ये कॉन्ट्रैक्ट ही तो है ना, सिटी स्टाइल के बाहर तुम खड़े हो, वहां पे ऑटो है, झरिया झरिया डिगवाडी डिगवाडी, गोविंदपुर गोविंदपुर बोल रहा है, ऑफर कर रहा है, आओ बैठो, तुमने बैठा, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है, और प्रॉपरली वहां पे प्रिंट किया हुआ है स्पेशल टर्म, तुमको पता चाहिए, कितना सिंपल चीज है, ठीक है, ओके। मानिए भैया, ये हम जानना चाहते हैं कि स्पेशल कंडीशन जो है वो मेरे को बाद में पता चलता है, ठीक है, बाद में बताया जा रहा है, तो क्या हम उससे बाउंड होंगे, नहीं। फॉर एग्जाम्पल मानो तुम लोग ने कहीं पर अपना कार दिया बनने, ठीक है, और वहां पे एक स्पेशल टर्म था कि अगर हम लोग आपका कार को बना रहे हैं और उस दौरान कुछ खराब होता है तो वो आपका जिम्मेदारी है, मेरा जिम्मेदारी नहीं, लेकिन ये स्पेशल टर्म मेरे कार को डिलीवर करने के बाद बताया गया, क्या ये बात सही है, वैलिड है, यस या नो, क्या उनका ऐसा करना सही है, हम कार बार दे दिए, एक दो दिन पार हो गया, उसके बाद वो ये बात बता रहा, बिल्कुल नहीं। अगर ये बात बताएगा तो कब बताएगा, कॉन्ट्रैक्ट के पहले, स्पेशल टर्म हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के पहले होता है, पहले बता दो, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद आप नहीं बता सकते, कोई नया स्पेशल टर्म मन से बनाकर नहीं बता सकते, स्पेशल टर्म प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, दिखना चाहिए, आप बताना भूल भी जाओ तो जो कस्टमर है वो पढ़, ठीक है। कुछ केस स्टडीज को देखते हैं, पहला केस स्टडी मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस, where a passenger undertakes a travel, एक पैसेंजर घूमने के लिए निकला है एरोप्लेन में, तो जो भी ट्रैवल को लेके कंडीशंस होता है वो टिकट के पीछे में प्रिंट होता है। तुम लोग कभी एग्जैक्टली सानिया, बहुत सही समझ रही है, जब ऑपरेशन होता है तो कैसे एक साइन करवाते कॉन्ट्रैक्ट को, वही होता है कि अगर इसको कल को कुछ हो गया तो हम लोग का नहीं जिम्मेदारी होगा कोई, ठीक है, ओके, गुड। अभी आओ चलो हम लोग जल्दी घूमने के लिए सिंगापुर, ठीक, कोलकाता से हम लोग का टिकट है, हम लोग हाथ में टिकट ले लिया, टिकट जब घुमा के देखेंगे ना तो उसके पीछे बहुत कुछ लिखा रहता है, जैसे कि टेक ऑफ से इतना टाइम पहले, इतना टेक ऑफ टाइम, लैंडिंग टाइम, फोन और लैपटॉप को बंद रखे हैं, वो अपने सीट बेल्ट को बांध के रखे हैं टेक ऑफ से पहले, ज्यादा डिसिप्लिन में रहना, और आजकल एक नया चीज है मास्क पहन के रखना, ठीक है, ये सारा चीज को बोलते हैं अपन टर्म्स एंड कंडीशंस, और एयरपोर्ट में चढ़ने से, एयरप्लेन में चढ़ने से पहले ये सब टिकट के पीछे लिखा रहता है। अभी हुआ क्या समझो मेरे बात, हम टिकट का आगे वाला देख लिया, पीछे वाला इग्नोर किया, पीछे वाला में लिखा हुआ था मास्क पहनना जरूरी है, हम मस्त बिना मास्क का चढ़ गए एरोप्लेन, एरोप्लेन हवा में है और जो एयर होस्टेस है वो मेरे को बार बार बोल रही है सर प्लीज वेयर मास्क, सर प्लीज वेयर मास्क, हम इग्नोर कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम नहीं पहनेंगे, क्यों, क्योंकि हम स्पेशल कंडीशन पढ़े नहीं थे, क्या मेरा बोलना सही है, यस या नो, मेरा मास्क पहनने से इनकार करना सही है, नहीं भैया, गलत, राइट, गलत है भैया, स्पेशल टर्म वो लोग प्रिंट कर दिया,
आप पढ़े नहीं पढ़े आपका जिम्मेदार। कभी कभी तो नोटिस बोर्ड पे भी टांग देते, लेकिन प्रिंट हमेशा रहेगा। अगर पैसेंजर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया, एरोप्लेन में चढ़ा है, तो ये माना जाएगा, ये अज्यूम किया जाएगा कि वो स्पेशल कंडीशन पढ़ चुका है। दैट्स इट। बाद में वो नहीं बोल सकता कि ना हम नहीं मानेंगे। नॉट अरे एक और दिखा, ये भी बड़ा फेमस है, लिली व्हाइट वर्सेस आर मनु स्वामी। तुम लोग कभी ना कभी अपने कपड़े को ड्राई क्लीनिंग में दिया होगा। अभी तुम लोग जब ड्राई क्लीनिंग में कपड़ा को देता है तो बदले में तुम लोग को बोलोगे एक पर्ची देता है, एक रिसीट देता है, ठीक है। मानो हम आज ड्राई क्लीनिंग में दिए तो ऐसा नहीं है 10 मिनट में मिल जाए, टाइम लगता है, मानो हफ्ता भर का टाइम लिए। हफ्ता भर बाद हम वही पर्ची लेकर जाएंगे, उसको दिखाएंगे और वो मेरे को कपड़ा देगा, ठीक है। वो पर्ची के पीछे, वो टिकट के पीछे कभी तुम लोग रीड करना, यस वो पर्ची के पीछे तुम लोग कभी रीड करना। कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग ड्राई क्लीनिंग कर रहे हैं और आपके कपड़े को कोई नुकसान होता है, वो आपका जिम्मेदारी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग नहीं। अब अगर तुम वो रिसीट को घुमा के नहीं पढ़ा और कपड़ा खराब हो गया, तुम जिद कर रहा है कि मेरे को तो मेरा कपड़ा का पैसा वापस चाहिए, क्या तुम्हारा बात सही है? यस या नो? तुम लोग पर्ची नहीं पढ़ा था, पर्ची में लिखा हुआ था कपड़ा को कुछ भी होगा जिम्मेदारी आपकी, तुम नहीं पढ़ा था। बोलो कपड़ा खराब क्या? तुम बोला भाई हम पढ़े ही नहीं थे, चल मेरा कपड़ा हमको वापस। नहीं, बिल्कुल सही, सब तुम लोग लॉयर बनने का तादाद में पहुंच गया लगता है, एकदम सही जवाब। भैया आप नहीं पढ़े, आपकी गलती, ठीक है। जब आप लॉन्डरर को अपना कपड़ा देते हो, आपको रिसीट मिलता है, उस रिसीट के पीछे स्पेशल कंडीशन लिखा हुआ है और ये माना जाता है कि वो टेसिट एक्सेप्टेंस है, ये माना जाता है कि आप पढ़ लिए, ये इम्प्लाइड है, ये माना जाता है, ये समझ में आता है। आप पढ़े नहीं पढ़े वो आपका जिम्मेदारी। चलो ऐसे ही एक और किस्सा, ठीक है, रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम। यहां क्या होता है सुन, एक ट्रांसपोर्ट कैरियर है, मानो ट्रक है, बड़ा सा ट्रक है, और हम इस ट्रक पर अपना गुड्स चढ़ा दिए। जब गुड्स चढ़ाए, इन लोग कुछ नहीं बोला, लेकर ट्रक निकल गए, और जब ट्रक बढ़ गया आगे, तब इस ट्रक का जो ओनर है वो हमको कोई स्पेशल कंडीशन बता रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हमको स्पेशल कंडीशन बता रहा है, ये राइट है या रॉन्ग? ये हरकत जो ये बंदा किया, ट्रक का ओनर किया, ये राइट है या रॉन्ग? गजब, सब लॉयर बन गया, सब कर लिया, लो सबका आंसर सही आ रहा है, एकदम सही पकड़ रहा तुम लोग सारे बात को। भैया गलत है, गलत है, क्यों? क्योंकि स्पेशल कंडीशन हमेशा बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट बताया जाता है। अगर स्पेशल कंडीशन इज बीइंग कम्युनिकेटेड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, इट विल नॉट बी वैलिड। इट इज वैलिड, स्पेशल कंडीशन, स्पेशल टर्म इज वैलिड ओनली इफ इट इज सेड बिफोर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। वेरी गुड। Standard form of contract may be enforced on another who is unaware of the content of document, provided the party wanting to enforce the contract has given prior notice that it contains certain special terms. Prior notice देना जरूरी है, पहले बताना जरूरी है, ठीक है। मानो कुछ इस तरीके से प्रिंट किया गया कि ऑफर ही ध्यान से पढ़ ही नहीं सकता, मानो कोई स्पेशल कंडीशन है और लिखा भी है, लेकिन छोटा छोटा में लिखा ही था, या फिर जापानीज में लिखा, ठीक है, तो क्या वो सही है या गलत? छोटा छोटा है, मतलब इस तरीके से लिखा गया है कि ऑफर ही पढ़ ना सके, वो सही है या गलत? बिल्कुल सही है, गलत है भैया, गलत। नॉर्मल हिंदी इंग्लिश में लिखिए, समझ में आता है, अच्छा से बड़ा बड़ा प्रिंट करिए, ठीक है। पहले हम लोग देखते थे, सबसे पहले जब कोई एड आता था उसमें खाली स्टार मार्क होता था बस, उसके बाद इस चीज को बदला गया, बोला स्टार मार्क में तुम ऐड के नीचे ना लिखेगा
जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है स्टार मार्क के नीचे तुमको जहां पे लिखना लिखना होगा। ओके प्लीज, कह रहा है कि भैया बहुत कंपनी करता है, कौन कंपनी की, कैसे कैसे करता है, बता अनम्यूट करके क्या बताना चाह रहा है। यही चीज की टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड और पूरा क्लियर नहीं बताता है कौन कौन से टर्म्स और कंडीशन। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर वो ऐसा कर रहा है तो हम लोग उसके ऊपर केस कर सकते हैं। अगर मानो कोई टर्म्स एंड कंडीशन वो नहीं बताया और बाद में बोल रहा है कि आप पढ़े नहीं, जबकि वहां पे था ही नहीं, बाद में वो लोग कुछ बता रहे हैं, हम केस करके केस जीत सकते हैं आराम से। ओके, याद है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक मोबाइल कंपनी, ऐसे ही ना जीते थे कार्लिल आंटी। ओके, इसके बाद भी तुम लोग पढ़ चुका है कहाँ भैया, देखो दिखाते हैं। विवोकेशन मतलब टेकिंग बैक, एक सेकंड पूरा मिटाने, रिवोकेशन का मतलब क्या होता है भैया, आप बताए थे कैंसिल करना, वापस लें, टेकिंग बैक, विथड्रॉ करना। हो सकता है मानो हम तुम लोग ऑफर किए, मेरा कार खरीद, हम अपना वो ऑफर को वापस लेना चाहते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि बिना भैया वांट टू रिवोक हिज ऑफर। मानो हम तुम लोग को ऑफर किए कार खरीदो, तुम लोग हाँ बोलो, और अचानक से तुम लोग अपने उस हामी को, उस एक्सेप्टेंस को वापस लेना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में रिवोकेशन ऑफ Acceptance। सबसे पहला सवाल कि भैया ऑफर और एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है, तुम लोग अपने जवाब दो। ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है, जब तक एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होता है प्रपोजर के नजरिए से। वापस से एग्जाम्पल वाला में आते हैं, चलो एक एग्जाम्पल बना के देते हैं तुम लोग को। ये है एक्स, एक्स ऑफर किया कि वो अपना कार सेल करना चाहता है वाई, वाई एक्सेप्टेंस मानो 21 जून को भेज रहा है, पर एक्स को एक्सेप्टेंस मिला 23 जून, 23 जून को वो रीड किया। ठीक है, पहला पॉइंट, प्रपोजल यानी कि ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है बताओ। ऑफर यानी कि जो एक्स ने किया था वो कब तक रिवोक कर सकता है, 21 को एक्सेप्टेंस हो रहा है। वेरी गुड जसमीत, प्लीज रितिक भैया, वेरी गुड अंशु भैया, 21 से पहले ठीक है, चलिए आंसर देता हूं। देखो कब तक ऑफर रिवोक हो सकता है, जब तक उसका एक्सेप्टेंस प्रपोजर के नजरिए में कंप्लीट ना हो। प्रपोजर के नजरिए में, प्रपोजर के हाथ से पावर कब चल गया था, 21 को ही चल गया था, तो कब तक रिवोक हो सकता है, 21 से पहले। चलो अब देखते हैं एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है, एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है, यानी कि वाई कब तक बोल सकता है एक्स को फोन करके कि हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली, वेरी गुड भैया, 23 तारीख से पहले वाई मानो 21 को पोस्ट भेज दिया, वो रीड कब कर रहा है, 23 को कर रहा है ना, उससे पहले फोन करो और बोल दो कि भाई तेरे पास एक लेटर आएगा, इग्नोर करना, हम तेरे गाड़ी नहीं खरीदना चाहते, सिंपल एज दैट। ठीक है, मेरे बात को बड़े ध्यान से सुनो, ये लैंग्वेज हम लोग को याद करनी है। ठीक है, ये लैंग्वेज हम लोग को एज इट इज याद करना है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर कब, व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विथड्रॉ दिस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के नजरिए से कब कंप्लीट होता है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, ऐसे याद करना होगा, रटना होगा। हम तुम लोग को समझा दिए, ये लैंग्वेज रटने का काम तुम लोग का, दो बात बताना चाहेंगे, पहला एक बार में याद नहीं होगा, बार बार रिवाइज करना होगा,
दूसरा तुम लोग टाइम टू टाइम होगा कि भूलोगे, जब पढ़ोगे, मानो तुम लोग 3-4 बार पढ़ चुका है, जब पांचवी बार पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है पहली बार पढ़ रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, भूलना स्वाभाविक है, डरना मत। लॉ में ये दो रूल याद रखना है, एक बार में लॉ याद नहीं होता है, दूसरा भूलते हैं लेकिन रिवाइज करते रहना पड़ता है, और वो होता है स्ट्रैटेजी से, कैसा स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते हैं, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ सीखेंगे, स्ट्रैटेजी कैसे बनता है, प्लान कैसे होता है, कैसे एग्जाम को अप्रोच करते हैं, एवरीथिंग। ओके, बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन। पहला, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। रिवोकेशन कौन करता है, मानो हमारे केस में एक्स अपने ऑफर को रिवोक करना चाहता है, तो एक्स जो रिवोकेशन किया, जो ऑफर कैंसिल किया, वो कब कंप्लीट होगा, व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स। सिंपल वर्ड में भैया, एक्स कब तक रिवोक कर सकता है, जब तक वाई एक्सेप्ट ना करे, सेम लाइन, जब तक वाई एक्सेप्ट ना करे, ये तो याद करने वाला चीज है भैया, कॉमन सेंस हम लोगों को समझ में आ गया, जब तक वाई एक्सेप्ट ना करे। दूसरा, जिसको रिवोक कर रहे हैं, ठीक है, एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, मानो वाई को कब पता चलेगा कि रिवोक हो रहा है, भैया जब वाई को बताया जाएगा, सिंपल वर्ड में एक्स रिवोक कब तक कर सकता है, जब तक वाई एक्सेप्ट नहीं किया, तो एक्स का रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, जैसे ही एक्स बोल दिया वाई को फोन करके कि भाई हम रिवोक कर रहे हैं, मानो 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 वाई अपना एक्सेप्टेंस भेजा 21 को, लेकिन 21 से पहले 19 तारीख को एक्स अपने ऑफर को रिवोक कर दिया, 19 तारीख को जो वाई को मिले थे, 19 तारीख को एक्स अपने ऑफर को रिवोक कर दिया था, वाई को इस बारे में पता चला 23 तारीख को, या फिर मानो 22 तारीख, समझ रहा बात तो सही है ना, एक्स भैया वाई का पोस्ट करने से पहले तक रिवोक कर सकता है, वाई 21 तारीख को पोस्ट कर रहा है, लेकिन एक्स तो 19 को ही लेटर भेज दिया था कि भाई मेरा ऑफर कैंसिल, एक्स जैसे ही लेटर डाल के आया, एक्स चिलो के बैठ गया कि वाई अभी तक अपना एक्सेप्टेंस भेजा नहीं है, पोस्ट किया नहीं है वहां से, हम तो अपना यहां से करें, वाई कब चिल होगा, वाई कब, वाई को कब लगेगा कि ऑफर कैंसिल हो गया है, जब वाई को पता चलेगा, वाई खोल के पढ़ेगा, अरे कैंसिल हो गया, वाओ, यानी कि 22 तारीख, 22 जून, लेकिन ओके ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल, मिस्टर ए अपने ऑफर को टेलीग्राम से किया था, एक मुझे प्रपोजल मेल टू मिस्टर बी आर टेलीग्राम, द रिवोकेशन विल बी कंप्लीट फॉर ए एज सून एज ही डिस्पैच द टेलीग्राम। ए टेलीग्राम, टेलीग्राम को हिंदी में बोलते हैं तार, ये भी सॉर्ट ऑफ लेटर ही समझ लो, बट फास्टर देन नॉर्मल पोस्ट, स्पीड पोस्ट, पोस्ट ये सबसे तेज होता था तार, यानी कि टेलीग्राम। ए बी को टेलीग्राम के जरिए ऑफर किया, और अब ए अपने ऑफर को रिवोक करना चाहता है, तो सवाल है कि ए के नजरिए से, ऑफरर के नजरिए से रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा, मानो ए रिवोकेशन भी टेलीग्राम से भेजता, तो जैसे ही ए टेलीग्राम को डालेगा, जैसे ही ए, मानो ए आज जाके टेलीग्राम को डाला, ए अब चिल करके बैठ सकता कि भाई बी तो एक्सेप्ट किया नहीं है और हम तो रिवोकेशन भी भेज दिए, और बी के नजरिए से रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा, भैया जब इसको ये तार मिलेगा और ये खुल के पढ़ेगा, ठीक है, नो इश्यूज। अभी आते हैं इंटरेस्टिंग बात, ठीक है, जो तुम लोग हम बोले थे थोड़ी देर पहले बताएंगे। इंडिया में अगर तुम एक लेटर भेजा है तो वो 2-4 दिन लगता है मिनिमम पहुंचने में, उसको रिवोक करना है टेलीग्राम भेज, टेलीग्राम हमेशा लेटर से पहले पहुंचेगा जनरली, और आगे वालों को पता चल जाएगा कि भाई ये रिवोक करना चाहता है, लेकिन इंग्लैंड में ये फैसिलिटी है ही नहीं। भैया इंग्लैंड के बारे में बताता क्यों है, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया था, तब इनका राज था हमारे ऊपर, ये इंग्लिश लॉ ही कॉपी किया गया है,
ये चीज हम लोग चेंज कर दिए, हम लोग बोले कि भाई अगर तुम लेटर भेजा है बाद में, पहले टेलीग्राम भेज दिया किसी भी तरीके से, फोन करके व्हाट्सएप करके कैसे भी करके, लेटर मिलने से पहले बता दिया कि तुम ऑफर को रिवोक करना चाहता है, ऑफर रिवोक हो जाएगा। लेकिन इंग्लैंड में ये सब हिसाब किताब नहीं होता, एक बार लेटर डाल दिए तुम अब उसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो इंग्लैंड में क्या होता भूल जाओ, डजंट मैटर, बस बुक में लिखा है तो हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके, यूनिट वन हम लोग का कंप्लीट होता है, ठीक है। यूनिट वन में हम लोग पूरा पूरी सीखे एसेंशियल्स के बारे में, क्या होता है एसेंशियल्स, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, और सारा मेन मेन डेफिनेशंस। अब जो सीए के स्टूडेंट्स हैं, जो भी सीए के स्टूडेंट्स है, मानो तुम लोग सीए का स्टूडेंट है लेकिन तुम लोग के पास किताब नहीं है, गूगल पे टाइप करते हैं ऐसे करके ICAIBOS, यहाँ पे देखो BOS नॉलेज पोर्टल आया, इस पे क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो फाउंडेशन कोर्स के ऊपर, चारों सब्जेक्ट का हर चीज मिलेगा। फॉर एग्जांपल लॉ, लॉ का किताब, BCR का किताब, इनसे रिलेटेड पास्ट क्वेश्चन पेपर, रिवीजन के लिए टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर का सजेस्टेड आंसर, और कुछ रिवीजन नोट्स जो ICAI बना के, सब चीज तुम लोग को मिलेगी। तुम लोग यहाँ से डाउनलोड, मोबाइल में भी होता है लैपटॉप में भी, डाउनलोड करने के बाद What I have done, देखो हम कैसे किया, फोन में भी ऐसे ही किया, सारा चीज का ना फोल्डर बना के रखते सुंदर से, ताकि जब चाहे तब एक्सेस कर सके। तो यहाँ पे लॉक खोले, जितना भी चीज मेरा लॉक का है वो सब यहाँ पे आ गया, एंड हम ओपन किए, इतना ज्यादा लॉक का फोल्डर बना लिया ना, पता नहीं चल रहा है कौन सा वाला है। खैर छोड़, तुम लोग अपना, तुम लोग को डाउनलोड करना हम सिखा दिए, कहाँ से डाउनलोड होगा, जब चाहो डाउनलोड करो। और अब तुम लोग तैयार है बुक से यूनिट वन पढ़ने, ठीक है। अब तुम लोग को हम बोलेंगे किताब खोलो, पहले ये बताओ चैट में किन किन के पास किताब नहीं है, चैट में बताओ कौन कौन अभी तक रजिस्टर नहीं किया और किताब नहीं है। ओके, आयुष के पास नहीं है, बस जन, बाकी लोग तानिया तनु, तुम लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया है, सानिया के पास भी नहीं है। तुम लोग को हम बताएं रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, जैसे 30 जून पार होगा तुम लोग का रजिस्ट्रेशन पोर्टल बंद हो जाएगा, मतलब अब फिर तुम लोग अगले साल एग्जाम देगा तो बहुत लंबा टाइम बर्बाद हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन अभी ही करवाना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करवाना, उसके बाद बुक ऑर्डर करना होता है ऑनलाइन, वो हम सिखा रहे हैं। ओके, आयुष अनम्यूट करके बता दो, तेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, नो सर। ठीक है, तो तुम जब रजिस्टर कराएगा तभी किताब आएगा, तब तक के लिए तुम लोगों को बताएं पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, पीडीएफ डाउनलोड करना और पढ़ लीजिए, ठीक है।